ओके तो ये अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी को हाउ विल यू पे ऑफ, हाउ विल यू पे ऑफ दिस अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी इन द रेशियो, अगर एक से ज्यादा है तो नहीं, एक ही है तो उसको पहले पे ऑफ करो, लेकिन उसमें दो तीन है तो यू विल पे देम ऑफ इन रेशियो, विच रेशियो, लाइबिलिटी का रेशियो. से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स आर 50,000 एंड बिल्स पेबल आर 20,000, क्रेडिटर्स आर 50 एंड बिल्स पेबल आर 20, यू पे देम ऑफ इन द रेशियो 5:2. Creditors are 50, bills payable are 20, and outstanding expense are 10,000. Creditors 50, bills payable 20, outstanding expense 10,000. You pay them in the ratio of 5:2:1. Is this clear? Jitna jiska zyada liability, utna usko zyada paisa milega. Comfortable? Yes. So, unsecured liability ko pay off karna in the respective ratio. Tumhara gaadi generally samme udhar hi atak jayega. Usi ko tum puri tarike se pay off nahi kar paoge. अगर कर भी दिया तो भी स्टिल यू आर इंसॉल्वेंट, पार्टनर को देने के लिए घर से पैसा है नहीं. इज इट क्लियर? तो अगर ये भी पे पूरा कर पाए तो भी यू आर इंसॉल्वेंट, आगे पैसा आने के लिए कुछ रास्ता नहीं है. तो इधर ही अटक जाएगा या शायद इनको पूरी तरीके से पे कर पाओ. इसके बाद भी एक लायबिलिटी बचती है, व्हाट इज दैट? पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, नॉट एंटायरली एक्सटर्नल, बट वो इंटरनल भी नहीं है, बीच में आती है. इट फॉल्स बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लायबिलिटी. सो यू विल नेवर बी एबल टू पे ऑफ योर पार्टनर्स लोन इन दीज प्रॉब्लम्स. कभी भी पार्टनर लोन तक तुम्हारा पैसा पहुंचेगा नहीं. तो पार्टनर लोन कभी भी पे ऑफ तो करना नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है. तो वेन एवर यू हैव ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, ऑलवेज यू विल ट्रांसफर योर पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स कैपिटल. ऑलवेज you will transfer your partner's loan to partner's capital. Is this clear? Suno dhyan se. First liability you pay off is what? Dissolution expense. All clear with that? तो जग मार के करना ही है, उसके बिना प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा. उसके बाद पैसा कितना है उसके हिसाब से एक है. सबसे पहला सिक्योर, उसके बाद अनसिक्योर. अनसिक्योर्ड अगर दो तीन है तो इन द रिस्पेक्टिव रेशियो. उसके बाद पार्टनर्स, अनसिक्योर्ड के बाद पार्टनर्स लोन. अगर अनसिक्योर्ड के बाद पैसा बचा तो पार्टनर्स लोन, बट पार्टनर्स लोन यू वोंट बी एबल टू पे ऑफ. वो ये सम्स में पॉसिबल होगा नहीं. तो पे ऑफ नहीं करना है उसको, क्या करना है? यू ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में यू वोंट बी एबल टू पे ऑफ पार्टनर्स लोन, कभी होगा ही नहीं. तो ऑलवेज ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल. कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? जो कैपिटल चुकाना ना उसके साथ लोन भी ऐड कर दिया. अभी लोन और कैपिटल दोनों चुकाना बाकी है, समझा? दोनों वैसे भी नहीं चुकने वाले, ना कैपिटल चुकने वाला है ना लोन. तो अलग अलग करने के बदले सीधा दोनों को साथ में रख दिया कैपिटल में, और उसका पैसा डेफिशिएंसी. इज दिस क्लियर? तो वंस यू हैव डन दैट ट्रांसफर लोन टू कैपिटल, अब जिस जिस लाइबिलिटी में जो भी डिफरेंस है एवरीथिंग विल गो टू विच अकाउंट? डेफिशिएंसी. जो लाइबिलिटी चुका पाए वो ठीक है, वो टू कैश, लेकिन जो नहीं चुका पाए एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी. व्हाट इज डेफिशिएंसी अकाउंट? डेफिशिएंसी इज नॉट रियल, नॉट पर्सनल, नॉट नॉमिनल, नॉट एसेट, नॉट लाइबिलिटी, नथिंग. इट इज जस्ट एन आर्टिफिशियल अकाउंट. व्हाई डू यू ओपन दैट डेफिशिएंसी अकाउंट? डेफिशिएंसी ओपन क्यों होता है? जस्ट टू मेक इट इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कि ये लाइबिलिटी तुम पे ऑफ नहीं कर पाए, ये लाइबिलिटी तुम पे ऑफ नहीं कर पाए. क्यों नहीं पे कर पाए? क्योंकि पार्टनर से पैसा आया नहीं. तो जो नहीं आया या जो नहीं दिया वो कहां दिखेगा? डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी खाली इन्फॉर्मेशन दिखाता है, उसमें कुछ एक रुपया पड़ा नहीं है, कुछ नहीं है. डेफिशिएंसी क्या दिखाएगा? जो पैसा तुम दे नहीं पाए और जो पैसा तुम ले नहीं पाए. इज दिस क्लियर? जो पैसा तुम दे नहीं पाए और जो पैसा तुम ले नहीं पाए वो कहां चला जाएगा? दैट विल गो टू डेफिशिएंसी. सो हाउ टू टैकल द अकाउंट्स नाउ यू गॉट इट? सबसे पहला यू पे ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, उसके बाद यू पे ऑफ सिक्योर, उसके बाद यू पे ऑफ अनसिक्योर. पार्टनर लोन कभी पे ऑफ होगा नहीं, ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल. फिर जो भी अकाउंट का डिफरेंस है डालो किधर, अल्टीमेटली व्हाट विल टैली इटसेल्फ. इज दिस क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. दूसरा अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड, एक सिक्योर्ड है और एक अनसिक्योर्ड. पहले सिक्योर्ड, सिक्योर्ड पूरा, सिक्योर्ड पूरा डेफिशिएंसी. इधर भी कुछ नहीं बचा तो डेफिशिएंसी, सिंपल. ओके, तो 60 पे ऑफ करने का, 20
तो वो फिर पे करना है या अनसिक्योर्ड में ना रेशियो में पैसा है तो करो रेशियो में नहीं है तो आता हूँ उसपे सिक्योर्ड वाला सम है ना प्राइस पे 11 सम ले लो सब लोग अभी वेरी फर्स्ट स्टेप रिमेन सेम एम्प्टी द अब एम्प्टी द बैलेंस शीट में ध्यान क्या रखना है ऑल द लायबिलिटीज विल बी शोन सेपरेट जितना लायबिलिटी है इंक्लूडिंग पार्टनर्स लोन सबका अलग से अकाउंट दिखेगा इज दिस क्लियर क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है ना तो एक एक लायबिलिटी अलग से दिखाना है सबको साथ में पे ऑफ नहीं कर सकते तो इस सम में अकाउंट्स कौन से ओपन होंगे वो देख लो रियलाइजेशन है दिख रहा है हेलो हाउ मेनी लायबिलिटीज वी आर हैविंग टू लायबिलिटीज दिख रहा है एज लोन है एंड क्रेडिटर्स हेलो इसमें जर्नल नहीं होता स्टिल विल डू इट इन वन सम ओके बाय चांस किधर आ गया तू रियलाइजेशन क्रेडिटर्स एज लोन मिला यहाँ पे गाइस नेक्स्ट कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डोंट हैव करंट अकाउंट मूव टू बैंक अकाउंट कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट डेफिशिएंसी तो बनेगा ही उसके अलावा जितने लायबिलिटीज है उसका सेपरेट अकाउंट वॉट एवर लायबिलिटीज यू आर हैविंग उसका सेपरेट अकाउंट इज दिस क्लियर कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एम्प्टी द बैलेंस शीट फर्स्ट स्टेप इज व्हाट एम्प्टी द बैलेंस शीट स्टार्ट विथ कैश इन हैंड दैट इज टू बैलेंस बीडी साथ में करते जाओ कैश इन हैंड इज 50 रुपीज डेफिशिएंसी का बैलेंस नहीं है कुछ मानो डोंट टॉक बाय बैलेंस बीडी ए एंड सी का 800-500 ऑन द क्रेडिट साइड मिला बी का कैपिटल इज ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी दिस इज 650 अदर एसेट्स यू ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन सो यू आर हैविंग टू स्टॉक 800 टू डेटर्स 1000 टू प्लांट 2000 टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 800 एंड टू लैंड एंड बिल्डिंग 2000 बीस कैपिटल वी हैव रिटर्न क्रेडिटर्स विल यू ट्रांसफर क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन नो विल यू ट्रांसफर एज लोन टू रियलाइजेशन नो यू हैव गॉट सेपरेट अकाउंट्स ऑल पार्टनर में हर लाइबिलिटी अलग से दिखेगी ऑल लाइबिलिटीज हैव गॉट विच बैलेंस सो क्रेडिट बैलेंस सो बाय बैलेंस बीडी इसका है 5000 और बाय बैलेंस बीडी एज लोन का है कितना है 1000 हर एक चीज किधर ना किधर ट्रांसफर हो चुकी होगी जस्ट चेक एक बार ट्रांसफर कर दी चेक कर लेना एवरी आइटम मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड समझा यहां तक ध्यान से गुड चांसेस ऑफ कमिंग दिस टाइप ओके बोर्ड में आने का चांसेस काफी है यू मे हैव ऑल पार्टनर और सिंगल पार्टनर इन आवर इंसॉल्वेंसी चलो वंस यू हैव ट्रांसफर्ड ऑल द आइटम्स लेट्स गो टू सेल ऑफ एसेट्स सबसे पहला सेल आउट द एसेट्स सो बाय कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट क्या दिया है पढ़ो द स्टॉक एसेट्स रियलाइज एज अंडर स्टॉक इज 500 अगर प्रिंट नहीं हुआ तो लिख दो स्टॉक 500 मिला प्लांट एंड मशीनरी बेच के यू गॉट 1000 फर्नीचर एंड फिटिंग से यू गॉट 200 लैंड एंड बिल्डिंग यू गॉट हाउ मच 800 एंड डेटर्स रियलाइज
550 2500 3050 पैसा आया. करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश में 2 realization 3050. पहला स्टेप सेम था, ट्रांसफर की. सेकेंड स्टेप में हमने एसेट्स बेच दिए, वी रियलाइज 3050. वी रियलाइज 3050. ओके, इज इट क्लियर? यहां तक का स्टेप सेम था, ठीक है. इसके बाद हम क्या करते थे, पैसा लेते थे फिर पैसा पे ऑफ करते थे. यस और नो? वी यूज टू पे ऑफ द मनीज. पहले बेच दो, बेचा बाय एसेट्स वन बाय वन बाय बैंक में एक एक एसेट्स 3050 इज व्हाट यू गॉट टोटल पैसा. नाउ यू यूज टू स्टार्ट पेइंग यूजुअली, ओके. बट विल यू पे इट राइट नाउ ऑल द लाइबिलिटीज? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू पे ऑफ? व्हाट आर लाइबिलिटीज यू नीड टू पे? कैन यू टेल मी वन बाय वन इन दिस सम? एक तो सबसे पहला यू हैव क्रेडिटर्स, इज नॉट, एक और है डिसोल्यूशन एक्सपेंस. तीन है. सबसे पहला क्या पे ऑफ कर? वो तो इधर से ही कर दो, ओके. रियलाइजेशन टू बैंक कैश, रियलाइजेशन टू कैश, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है तो 50 rupees. पे ऑफ दैट. करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश में बाय रियलाइजेशन 50 rupees. पेड ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस. उसके बाद अगर ऑर्डर फॉलो करना होता तो कौन सा करते? सबसे पहला क्रेडिटर और फिर एस लोड, बराबर. बट यहाँ पे पैसा ही नहीं है अपने पास. वी हैव टू चेक हाउ मच मनी वी आर हैविंग फर्स्ट, ओके. तो एक काम करो, पहला इधर ही यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि सब एसेट लाइबिलिटी का प्रॉफिट लॉस मिलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि चुके ही नहीं और चुकने वाले भी नहीं, ओके. तो यहां तक का ही प्रॉफिट लॉस पॉसिबल है, तो वो कर लो कैलकुलेट कितना होता है. 1200 करस्पॉन्डिंग एंट्री कैपिटल में 2 realization 1200 ईच. ये अभी तक का प्रॉफिट लॉस है, अभी तक के एसेट और अभी तक के लाइबिलिटी का प्रॉफिट लॉस है. सब लाइबिलिटी नहीं आई है इसमें, क्योंकि सब कभी पे ऑफ होगा नहीं. अभी तक का खाली प्रॉफिट लॉस डाल दिया कैपिटल. अब स्टोरी आगे बढ़ाते. कैपिटल में वंस यू ट्रांसफर द लॉस, ओके. नाउ यू ट्राई टू गेट द मनी फ्रॉम कैपिटल. पहले कैश जमा करो, चुकाने के लिए पैसा कितना है वो देखो, ठीक है. तो यहां से आ गया 3050, 50 rupees तो करना ही था, वो पे ऑफ कर दिया. अब चेक करो कैपिटल वाला कुछ ला रहा है क्या पैसा. रीड, इज एनी ऑफ द कैपिटल एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग? रीड क्या दिया है. ए एंड सी वेर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग. 200 आर रिसीव फ्रॉम बी. लाया 200 rupees, चलो ले लो पहले. सो बाय कैश, कैश टू कैपिटल एंट्री है, समझा. बी से 200 rupees ले लो. करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश में टू बी कैपिटल. अभी पैसा जमा करो, क्योंकि पैसा खत्म हो गया, पे ऑफ करने के लिए है ही नहीं. तो पहले जमा कर रहे. ए और सी कुछ ला रहे हैं यहाँ पे? अगर कुछ ला रहे होते तो बाय कैश आ जाता, ठीक है. ए और सी में तो ए और सी वर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग. बी वॉज एबल टू ब्रिंग 200, उसका एंट्री कर दिया कैश टू बी कैपिटल. कंफर्टेबल? समझ रहे हैं स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप वॉज एम्प्टी, सेकेंड स्टेप सेल ऑफ एसेट पैसा लिया, एक ही लाइबिलिटी चुका. व्हाट इज दैट? वो होगा उतना पैसा भी होगा, उसका टेंशन नहीं है. उसका पैसा ही नहीं होगा तो डिसोल्यूशन आगे बढ़ेगा ही. यू शट डाउन दिस, यू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, देन गो टू कैपिटल. कैपिटल में पैसा कलेक्ट कर लो. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन कैश अकाउंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन कैश. पैसा इज योर गोल, पैसा कितना है अभी वो जानना जरूरी है. तो पैसा आ गया सब जगह से, और कहीं से भी पैसा आना बाकी है. अभी से एसेट भी बेच दिया, कैपिटल से भी आ गया, कोई दूसरा सोर्स नहीं है. तो अभी कैश देखो कितना है तुम्हारे पास. दिस इज 3100 minus 50 rupees, दैट इज 3250. हाउ मच मनी आर वी हैविंग? वी आर हैविंग ओनली 3250. यस और नो? यस. अब ये 3250 में अपने को दो लाइब्रेरी चुकाना है.
क्रेडिटर एंड एज लोन, कौन सा वाला चुका पाओगे? दोनों चुका पाओगे? दोनों अनसिक्योर्ड है? नहीं, वो पर्सनल लोन. दिस इज अ पार्टनर्स लोन, दिस इज नॉट अंडर अनसिक्योर्ड कैटेगरी. इज दिस क्लियर? पहला था डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फिर था सिक्योर, फिर था अनसिक्योर्ड, और फिर था पार्टनर्स लोन. इज दिस क्लियर? तो ये पार्टनर लोन अलग कैटेगरी है, तो इनको हम कभी रेशियो में चुका नहीं सकते. हाँ, क्रेडिटर के साथ अगर बिल्स पेएबल होता तो रेशियो में जाता, या बैंक ओडी होता तो भी रेशियो में जाता. यहाँ पे तो बंदा खाली क्रेडिटर बचा हुआ है, एक ही है, तो पहले किसको चुकाना है? क्रेडिटर. केस लोन क्रेडिटर. विल यू बी एबल टू पे ऑफ 5000? हाउ मच मनी आर वी हैविंग? 3250. कैसे मिला समझा? डेबिट माइनस क्रेडिट. सो ये करो, डेबिट माइनस क्रेडिट, दिस इज 3300. 3300 माइनस 50 इज 3250. इतना पैसा पूरा उठा के किसको दे दो? देना ही पड़ेगा. जब तक ये चुकेगा नहीं तब तक ये नहीं चुकेगा, जब तक ये नहीं चुकेगा तब तक कैपिटल का पैसा नहीं. गॉट इट? सो लेट्स पे देम. व्हाट इज द एंट्री टू पे योर क्रेडिटर्स? बाय क्रेडिटर. क्रेडिटर टू कैश, यू नो दिस राइट? हेलो, इधर रियलाइजेशन नहीं लिखना है, रियलाइजेशन बंद हो चुका है. नाउ यू आर रीपेइंग ओनली क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल अकाउंट है, बाहर. सो क्रेडिटर्स टू कैश. हेलो, तो क्रेडिटर्स में टू कैश, कैश में बाय क्रेडिटर्स 3250. इज दिस क्लियर? इधर ही पैसा समाप्त, एज लोन तक पहुंचेगा नहीं. तो ये जो नहीं चुका पाए क्रेडिटर को, हम ये कहां ट्रांसफर करेंगे? डेफिशिएंसी में करते. तो जो नहीं चुका पाए कितना? 1750. दैट विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट. तो क्रेडिटर्स में टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 1750. ये हुआ अभी किसका एंट्री? जर्नल. अभी रुको यार, पहले लेजर करो, तुम्हारा उधर ठिकाना नहीं है. अगेन यू आर जंपिंग अहेड, क्या तकलीफ है? एज लोन, डू इट यार अच्छे से, सेकेंड टाइम यू आर डूइंग, स्टिल यू आर रनिंग अहेड. एज लोन बाय बैलेंस बीडी, इट इज 1000 rupees. विल यू पे ऑफ एज लोन नाउ? यू डोंट हैव मनी, सो वेयर विल एज लोन गो? इट कैन बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी ऑल्सो, बट बेटर इट इज फर्स्ट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल, और टूगेदर यू ट्रांसफर द अमाउंट टू डेफिशिएंसी. डायरेक्टली डेफिशिएंसी में डाला तो भी राइट है, क्योंकि ये भी डेफिशिएंसी में जा रहा है, ये भी डेफिशिएंसी में जा रहा है, दोनों को पे नहीं कर पा रहे हो. बट इट, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेटली, बेटर इट इज इफ यू ट्रांसफर दिस टू कैपिटल एंड देन ट्रांसफर बोथ टूगेदर टू डेफिशिएंसी. ओके, सो इधर डाल दो इसको टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल. लेके गया वो कितने में? लेके गया 1000. लेके जाने का मतलब कुछ नहीं, एज लोन कम हुआ और एज कैपिटल बढ़ गया. एज लोन कम हुआ और एज कैपिटल जो लोन को देना था वो कैपिटल को देना है. तो एज लोन में टू एज कैपिटल, करस्पॉन्डिंग एंट्री एज कैपिटल में बाय एज लोन, रौनक बाय एज लोन, दिस इज 1000. इज दिस क्लियर? ट्रांसफर पार्टनर्स लोन टू इज कैपिटल. नाउ यू शट डाउन कैपिटल, इज एनी ऑफ द पार्टनर एबल टू ब्रिंग एनीथिंग? अरे वो हो गया, अभी आगे कुछ. और इज द बिजनेस एबल टू पे ऑफ द पार्टनर? जो भी डिफरेंस आया कैपिटल का इधर जाए, डेफिशिएंसी, सब डेफिशिएंसी है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो चाहे वो डेबिट. सी, डेबिट बैलेंस तो डेफिशिएंसी है, क्योंकि डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब पैसा लेना था लाया नहीं, वो तो डेफिशिएंसी. क्रेडिट बैलेंस है ना तो भी वो डेफिशिएंसी है. क्यों डेफिशिएंसी? बिजनेस तो नहीं दे पाया बराबर, लेकिन उसको बाकी लोगों का शेयर करना था पैसा, वो घर से ला नहीं पाया. यू गॉट इट? तो वो अगर शेयर करता तो वो सॉल्वेंट गिना जाता. अभी यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं है, तो देना हो तो भी टू डेफिशिएंसी और लेना हो तो भी बाय डेफिशिएंसी. किसी को कुछ दे नहीं पाए, किसी से कुछ ले नहीं पाए, खत्म, सब गए, सब उठ गए. तो दिस इज व्हाट, 1800 माइनस 1200. अभी इसका बंदे का बेचारे का सरप्लस है, दिख रहा है? दिस पार्टनर इज हैविंग अ सरप्लस. तो एक्चुअली इसको
he is not supposed to pay to business. Business is supposed to pay to him. How much business is supposed to pay to him? Still he is insolvent. Because actually, his balance 600 hai hi nahi. इसको उन दोनों की डेफिशिएंसी शेयर करनी पड़ेगी तो फिर मतलब बनता है इज ही एबल टू शेयर द लॉस ऑफ अदर टू पार्टनर्स नो दैट मनी विल गो टू डेबिट 1800 माइनस 1200 डेफिशिएंसी 600 गॉट इट इधर भी इन दोनों का आई थिंक डेफिसिट है ना 12 प्लस 6 1850 है 1850 माइनस 200 1650 दैट विल बी बाय डेफिशिएंसी And similarly, 1200 minus 500, this is 700, that is also deficient. Corresponding entry, 2 deficiency ka either by A's capital, which is 600, and 2 B's capital to C's capital. This is 1650, this is 700. फाइनली मतलब क्या बना इन दोनों को हम दे नहीं पाए इनसे हम ले नहीं पाए जो दिया नहीं जो लिया नहीं दैट गोज टू एफिशिएंसी ओके इस विल टैली ऑटोमेटिक टू ड्रॉ द जर्नल हाँ क्योंकि तूने अलग किया ना क्रेडिट बढ़ गया और डेबिट चलता है बट इसमें ऐसा करो इधर तू क्या दिखा रहा है ए से ही तू ले नहीं पाया और ए को ही तू दे नहीं पाया दोनों जगह दिखेगा इस जोन एक कैपिटल एक कैपिटल डेबिट में इस जोन क्रेडिट में ठीक है ना ये और उसे ना तो वो सेंस नहीं बनता ना इसके लिए ट्रांसफर कर देने का पहले रॉन्ग नहीं है बट शायद कोई एक्सेप्ट ना करे इसके ये फुल प्रूफ है ना इस जोन टैली हो गया ना थाउजेंड था ट्रांसफर टू एस कैपिटल इधर डेफिशिएंसी लिखोगे तो इधर आएगा ए जोन में टू डेफिशिएंसी लिखोगे तो डेफिशिएंसी में फाइव एस जोन बनाने का है सेपरेट और डेफिशिएंसी है ऐसा नहीं है ये कहाँ गया ए जोन में टू एस कैपिटल इधर डेफिशिएंसी हमने दोनों को कंबाइन किया जैसे करंट कैपिटल को कंबाइन करते हैं वैसे एस जोन और एस कैपिटल को कंबाइन किया और कंबाइन डेफिशिएंसी एक एक का इंडिविजुअली करने की जगह दोनों का कंबाइन होता है दोनों डेफिशिएंसी वो भी और ये अरे कंबाइन किया हुआ है बनाना तो है अकाउंट तो सबका बैठा दिमाग में ऑर्डर हेलो सम इज क्लियर सम कौन सा है सर ड्रॉ द जर्नल फर्स्ट हो गया जर्नल लेट मी डिस्कस फर्स्ट वन रियलाइजेशन टू स्टॉक डेटर्स प्लांट फर्नीचर लैंड रियलाइजेशन टू स्टॉक डेटर्स प्लांट फर्नीचर लैंड रियलाइजेशन टू स्टॉक डेटर्स प्लांट फर्नीचर लैंड व्हाट इज द टोटल 12,600 6,600 Realization to stock debtors, plant furniture land. Being sundry assets transferred to realization. Being sundry assets transferred to realization. Being sundry assets transferred to realization. Got it? Clear? Next. Second one. Are you having any liability का transfer entry? नहीं. Sell out cash to realization 3050. Cash to realization 3050. Being sundry assets realized. Cash to realization 3050. Being sundry assets realized. Cash to realization 3050. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Third entry is over here, dissolution expense. Realization to cash.
realization to cash being dissolution expense paid 50 rupees. Realization to cash being dissolution expense paid 50 rupees. Fine. Then, for this loss, A capital, B capital, C capital to realization. A capital, B capital, C capital to realization. A cap, B cap, C cap to realization. 1200, 1200, 1200, 3600. Being loss on realization transferred to partner's capital in PSR. Being loss on realization transferred to partner's capital in PSR. Loss on realization transferred to partner's capital in PSR. Fourth entry ke baad, fifth entry idhar hai, wahi order mein karna. Cash to B's capital. Cash to B's capital. Being part payment received from B. Being part payment. Being part payment received from B. Being part payment received from B. Being part payment received from B. Paisa le lo pehle. Ab paisa aane ke baad chukana bhi hai. To creditors, ye baat. Sixth end. Creditors to cash to deficiency. You can club this end. Okay? Creditors to cash to deficiency. Alag alag kiya to bhi chalega. Ye club kiya to bhi chalega. Got it? Ye thoda chuka rahe ho, thoda deficiency mein daal rahe ho. Can you see this? So creditors to cash to deficiency, that is entry number 6. Creditors to cash to deficiency, entry number 6. Creditors to cash to deficiency. Sixth entry is creditors to cash to deficiency. Creditors were 5000 to cash 3250 to deficiency 1750. Being creditors paid off in part and partly transferred to deficiency. Being creditors paid off in part and partly transferred to deficiency. Being creditors paid off in part and partly transferred to deficiency. Creditors paid off in part and partly transferred to deficiency. Is that clear? Got it? Understood? That was creditors ka part. Then A's loan we transferred. So A's loan to A's capital. Being A's loan transferred to A's capital. Being A's loan transferred to A's capital. Taken over by A's. Being A's loan taken over by A. Chalega. Yeah, being A's loan taken over by A. Yeah, A's loan transferred to A's capital. A's loan taken over by A. Yeah, fir A's loan transferred to A's capital. That was 7. In dono ko club kar sakte ho. Isko club kar sakte ho. This is 8. This is 9. 8th entry will be A's capital to deficiency. Being balance in A's capital. Transferred to deficiency account. Being balance in A's capital transferred to deficiency account. Being balance in A's capital transferred to deficiency account. Don't write surplus, okay? Being balance in A's capital transferred to deficiency. Surplus hai to pay off hoga. Iska actually surplus hai nahi. Agar insolvency share karta to surplus gina jata. So balance in A's capital transfer to deficiency account. And in dono ka rahega B cap, C cap to deficiency. B cap, C cap to. Deficiency to B cap, C cap. Deficiency to B cap, C cap. 1650, 700, 2350, right? 2350. Being balance in B's capital and C's capital transfer to deficiency. Being balance in B cap and C cap transferred to deficiency. That's it. Being balance in B cap, C cap transferred to deficiency. Balance in B cap, C cap transferred to deficiency. 980. Okay. All clear with the journal. Rare chances of journal coming in this type of problem. On the safe side, we have done this. 980.
11th के बाद 12th सम देख लो द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड वेरी स्मॉल सम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड वी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/5 1/5 एंड 1/5 व्हाट इज 3/5 1/5 1/5 सॉरी 3:1:1 स्टूड एज फॉलोस December 31, 08 इधर तुम्हारा फोकस है ना सीधा देखो लास्ट लाइन पढ़ो सीधा द एसेट्स रियलाइज 79,750 आफ्टर पेइंग रुपीज 2000 फॉर रियलाइज एंड आफ्टर पेइंग फॉर 2000 रियलाइजेशन एक्सपेंस शो द फाइनल एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स अज्यूमिंग ऑल आर इंसॉल्वेंट ऑल इंसॉल्वेंट दिखा मतलब सीधा फोकस लाइबिलिटी पे जाना चाहिए फोकस किधर जाएगा लाइबिलिटी तो चेक ऑन द लाइबिलिटी पार्ट यू हैव एनी रिजर्व लॉसेस कुछ कुछ नहीं लाइबिलिटी की लिस्ट क्या क्या है बैंक ओडी है creditors anything else all of you please pay attention don't talk creditors or bank odi do hi cheez hai na dono mein se kuch bhi secured hai pakka kaise malum pada nahi are diya nahi kuch info nahi diya hai security ka kuch info nahi diya hai are you getting it khushi so dono liability ka nature remains same and both are what type unsecured how will you pay them ratio mein kaun sa ratio mein 60,000 और 45,000 ये रेशियो गॉट इट लॉजिक क्या है जिसका जितना ज्यादा पैसा उसको उतना ज्यादा मिलेगा समझा कि नहीं 60 एंड 45 इज द रेशियो व्हाट इज दैट 60 एंड 45 4:3 जो भी पैसा मिले समझो 7,000 भी हो तुम्हारे पास तो भी उसको कौन से रेशियो में पे ऑफ करोगे 4:4,000 जाएगा क्रेडिट 4,000 जाएगा बैंक ओडी को और 3,000 जाएगा क्रेडिटर को आर यू गेटिंग इट अगर 7,000 रुपया है तो हाँ समझा कि नहीं 70,000 है तो 40 विल गो टू बैंक ओडी एंड 30 विल गो टू क्रेडिटर बट यू विल पे देम इन द रेशियो ऑफ 4:3 समझा कि नहीं नहीं होता कभी नहीं करना बैंक अलग बैंक ओडी अलग बैंक सेपरेट अकाउंट बैंक एडमिशन रिटायरमेंट सब में ऑल चैप्टर शुरू से इधर क्लोजिंग में क्लोजिंग में आया तो दैट्स अ सेपरेट ओडी अज्यूमिंग ऑलवेज देयर आर टू अकाउंट वन इज हैविंग अ बैंक बैलेंस वन इज हैविंग अ ओवरड्राफ्ट वो बैंक वाले में ओडी आ गया तो फिर दिखा दो बैलेंस शीट में शुरू में नहीं कभी ऑलवेज ट्रीट बैंक ओडी एज एक्सटर्नल है आएगा ना आएगा अलग है वो उसके बाद में रीड प्रॉपरली एसेट आया फिर पे किया एंड आफ्टर पेइंग रियलाइजेशन क्लियर विद द प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू हेलो लाइबिलिटी का क्लियर है दोनों रेशियो में गाइस कुछ से ट्राई कर रहे हो सर 13 साल की कर हो गया 13 रुको पहले ये करो खुशी हां सर हम लोग